हेलो जी, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज मैं लेके जा रही हूँ अपने खेतों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो गेहूँ की कटाई है ना, वो हो गई है शुरू। तो ये देखिए, हम लोग इस बार ना मशीन से काट रहे हैं गेहूँ, लेकिन थोड़ी सी काटी, थोड़ी क्या, ज़्यादा ही काट दी। लोगों की तो सारी हो गई थी मशीन से, हमारा एक ही खेत काटा और मशीन हो गई यहाँ पे ख़राब। तो दोपहर का टाइम था, अब होता ही है ना कि इतनी धूप में काम कर रहे थे, और फिर जाके मशीन यहाँ पे ख़राब हो गई। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये मशीन है, ख़राब भी हो सकती है। तो ये देखिए, यहाँ पे खड़ी की हुई है मशीन, और ये देखो हमारा ये खेत बचा हुआ है। तो बस मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसी है ये मशीन गेहूँ काटने वाली, आप लोगों ने देखी भी होगी। इससे ना गेहूँ काटना आसान हो जाता है। पहले हम लोग हाथों से काटते थे, लेकिन अब इससे काटते हैं तो हमें भी अच्छा रहता है। और ये देखो, ये है नींबू का पेड़। यहाँ पे ना इस नींबू पे ना 12 महीने नींबू लगते हैं। और यहाँ पे ये देखो, दीदी का कुत्ता बांधा हुआ है, और इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो ये देखो खड्डा सा निकाल लेता है और यहाँ पे बैठ जाता है ये। तो मैंने सोचा चलो आपको आज उनका किचन गार्डन भी दिखा दूँ। तो ये देखो, दीदी का लहसुन, करेले की वेल, और ये ना लहसुन कुल्लू का लहसुन है, जो कि बहुत अच्छा मोटा मोटा सा होता है। तो देखो उनका किचन गार्डन, और यहाँ पे देखो वो आगे थे मैकेनिक को लेके, लेकिन फिर भी उनसे ना मशीन ठीक नहीं हो पाई। तो वो अभी इस मशीन को लेके ना हमारे उधर आंगन में जाके ठीक करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, ठीक नहीं हुई उनसे। तो ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं मैकेनिक। तो फिर मशीन ना रात को उन्होंने हमारे घर के पास ही रख दी थी, तो अगले दिन जाके जो है ये ठीक हुई थी। और ये देखिए, किचन में समीक्षा आ गई है। समीक्षा ना आज बनाने वाली है पकोड़े, मुझे बोल रही थी कि बनाओ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो ये खुद भी बना लेती है। तो यहाँ पे ना समीक्षा, क्या बना रहे हो? पकौड़े पकोड़े। अभी हम लोग ना आए खेत से, तो ये बोल रही थी कि पकोड़े खाने हैं। तो मैंने बोला अभी मैं तो इतनी थक गई हूँ ना, बना नहीं सकती। तो समीक्षा बनाने वाली है पकोड़े, और आज हम ना समीक्षा के हाथ के पकोड़े खाने वाले हैं। तो मैं देखती हूँ समीक्षा क्या कर रही है, पकोड़े बनाने वाली है। बेसन प्याज के पकोड़े बनाने वाली है समीक्षा। और ये देखो सारी तैयारी करके रख ली है इसने। तो देखिए ये रेडी हो गया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज की कलियां, मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हम मसाले और नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको भी मिक्स कर। इसके बाद हल्दी डालेंगे, और देखना मैं कितने अच्छे पकौड़े बनाऊंगी। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, अब हम इसको तलेंगे और देखिए कितने टेस्टी पकौड़े रेडी हो जाएंगे। हल्दी कम लग रही है, थोड़ी सी और डालो। इसके बाद हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची, मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है। इसे तो ज़्यादा मिर्ची पसंद है, तीखा, लेकिन समर्थ नहीं खाता तीखा ना, इसलिए कम डालनी पड़ेगी। देखिए मेरा बैटर बन के रेडी हो गया है, और हमने तेल भी गर्म होने रख दिया है। तेल भी यहाँ पे गर्म हो रहा है। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे पकोड़े 1-1 स्पून। आराम से डालो, आराम से। समीक्षा डर भी रही है और डर भी रही है, धीरे से। पहला पकोड़ा काम पे मुझे लगा दिया वीडियो बनाने पे, और ये देखो आराम से। तो देखते हैं कैसे पकोड़े बनाती है समीक्षा।
देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। खाने में कैसे होंगे तो बाद में देखेंगे। अच्छे होंगे। अभी एक साइड से पकने दो ना। मिक्षा को ना वैसे भी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, इसको ये बनाती रहती है। ऐसे बोलो ना इसको कुछ और करने को, है ना, तब नहीं करती। लेकिन खाने के लिए आप बोलो ना इसको कुछ भी बनाओ, आधी रात को बोलो तब भी तैयार हो जाती है ये कि मैं ये बना लेती हूँ। और आज इसका मन था ना पकौड़े खाने का, तो इसमें देखो थोड़ी देर एक साइड के होने देते हैं। और मुझे हल्दी कम रह गई है पकौड़ों में। ठीक है ठीक है। ये देखो मिक्सर के पकौड़े पास से तैयार हो गए हैं। कितने टेस्टी लग रही हैं। तो ये सारे बना लेते हैं ऐसे ही और उसके बाद दिखाती है ये आपको। तो अभी हो गया शाम का टाइम और ये देखो ये रखी हुई है वो मशीन जिससे गेहूं काट रहे थे ना, और काटते काटते होगी ख़राब, तो इसको ठीक करने वाले मैकेनिक भी आए लेकिन ये ठीक नहीं हुई। और अभी वो गए हुए हैं तो शायद रात को काटेंगे। तो होता है ना कि हम जैसे सोचते हैं ना कि चलो जल्दी जल्दी हो जाए काम ना, तो वो काम कभी भी जल्दी नहीं होता। हमने सोचा कि हम लोग इस बार हाथों से नहीं काटेंगे, मशीन से काटेंगे, तो मशीन हो गई ख़राब। और अभी देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखिए पत्ती देव है यहाँ पे, तो जैक्सन को घुमाने लेके गए थे और शहतूत लगे हुए हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और पीछे आ रहा है समर्थ, हेलो। तो चलो मैं आपको बैक कैमरे से देखो। जैक्सन इसको घुमाने लेके गए थे और यहाँ पे है क्या, ओ ले गया भाग गया। और ये देखो शहतूत के पेड़ के ऊपर शहतूत लगे हुए हैं, ये देखो बहुत टेस्टी होते हैं ये। अभी तो ये ख़त्म हो गए, बहुत सारे लगे हुए थे। और ना बच्चे बहुत खाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बहुत खाते हैं, मैं भी बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे ना दूसरा फ्रूट नहीं वैसे अच्छा लगता लेकिन ये ना शहतूत ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये देखो समर्थ दिखाओ इधर, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं, समर्थ खा रहा है। तो ये देखो यहाँ पे काट दिए गए हैं, इनकी कट गई और हमारी मशीन ख़राब। तो हमने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा ना, ये देखो इनकी सारी, हमारी तो थोड़ी सी है। तो हमने सोचा था कि क्या सोचा था कि काम जल्दी हो जाएगा, हाथ से नहीं कष्ट करना पड़ेगा, मशीन से काटेंगे, पर मशीन हो गई ख़राब। इनकी किस्मत देखो आगे बिल्लो टाइम हाँ, तो अभी हाथ से तो नहीं काटेंगे, मशीन जब तक ठीक नहीं होती हम तब तक काटेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वो देखो पीछे वो इनके खेत है ना दीदी के, वो उनकी भी हो गई है, ये देखो उनकी भी कट गई। और ना ये कटहल का पेड़, और इस बार कटहल नहीं लगे, नहीं लगे नहीं नहीं, ये देखो ये पहली बार वो नहीं लगे, छोटे भी नहीं लगे इस बार ना। मैं रोज़ आती हूँ ना देखती हूँ, इस बार कटहल लगे ही नहीं हमारे यहाँ पे, छोटे छोटे से भी नहीं लगे। मैं ये देखो यहाँ पे इतने सारे कटहल लगते थे ना, पर इस दी इस बार ये कटर वडल ही नहीं है ना, कटर वडल ही नहीं इस बार। और कदों लगते अलग, गर्मियाँ च खाते, गर्मियाँ च खाते, बरसाती लगते, बरसाती लगते। ओ तो मुझे है ओ तो कटहल आजकल लगते ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने सोचा आजकल, मैं तो रोज़ देखती थी आके कि इस पेड़ पे ना कटहल नहीं लग रहे, इसका मतलब आगे लगते हैं, मुझे पता ही नहीं।
तो समीक्षा ने बना दिए हैं पकौड़े अभी, और ये देखो साथ में समीक्षा ने बना दी है चाय भी। तो अभी हम लोग ना चाय और पकौड़े खा रहे हैं थोड़ी। ये देखो ये वाले पकौड़े बनाए हैं समीक्षा, खुद दिखा रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो ये देखो ये पकौड़े बनाए हैं समीक्षा ने, एकदम करारे करारे से, खुद करारे करारे खाती है ना, तो करारे करारे से बनाए और बहुत टेस्टी बने हैं सच में। बहुत टेस्टी बनते बने हैं, और हमें चाय के साथ दे दिए इसने। तो चलिए फिर हम खा लेते हैं पकौड़े समीक्षा के हाथ के बनाए हुए। तो ये देखिए ये क्लिप है अगले दिन मॉर्निंग का, क्योंकि यहाँ पे मशीन हो गई है ठीक, तो अभी ये लोग ना हमारी गेहूँ काटने की कर रहे हैं तैयारी। तो ये देखिए यहाँ पे आगे इन्होंने हमारे खेत में ना गेहूँ काट दिए, ऐसे काटती है ये मशीन गेहूँ को। और बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।